उत्तराखंड के साथ देश के कुछ दूसरे राज्यों में भी बारिश और बाढ़ ने जमकर कहर बरपाया है। गुजरात महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है, जहां कई शहर बाढ़ की चपेट में हैं। पंजाब और राजस्थान में भी कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। महाराष्ट्र से गुजरात तक बाढ़ का कहर, एमपी से पंजाब तक बादलों का कोहराम, रेतीले राजस्थान में भी बारिश का गदर। पहाड़ों पर अगर आफत की बारिश हो रही है तो मैदान भी बादलों का कोहराम झेल रहे हैं। गुजरात से महाराष्ट्र और रेतीले राजस्थान तक में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। आज तक ने सबसे ज्यादा प्रभावित द्वारका का भी जायजा लिया। टूटे डैम की वजह से यहां सैकड़ों गांवों में आफत आ गई है। इस वक्त हम गुजरात के द्वारका डिस्ट्रिक्ट के कल्याणपुर तालुके में मौजूद है और मैं आपको बता दूं कि भारी बारिश के चलते यहां के जो तमाम गांव है उनकी कनेक्टिविटी पूरी तरीके से कट चुकी है और उनके जो खेतों में भी पानी घुस चुका है। पहले तो मैं आपको बता दूं, यहां पर इन तस्वीरों में देखिए, यहां पर एक बड़ा सा डैम हुआ करता था जिसका नाम सैनी डैम है, लेकिन उसकी हालत खराब थी जिसके बाद उस डैम को पूरी तरीके से तोड़ा गया। लेकिन पिछले दो साल में इस डैम पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके से आधा अधूरा पूरी तरीके से ये डैम अभी तक बना ही नहीं है। डैम ही नहीं है इसलिए ये पूरा का पूरा जो पानी है यहां से बाहर आ जाता है और जितने भी तमाम गांव इसके बाद लगते हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूब जाते हैं। बाढ़ का पानी कई जगह सड़कों के ऊपर आ गया है। पहले कई दिनों से बाढ़ से जूझ रहे गुजरात का हाल देखिए। पानी को तरसते कच्छ में इन दिनों पानी ही आफत बन गया है। बारिश किस तरह बेहिसाब हुई है इसका अंदाजा बाढ़ के पानी के समंदर में जीती इस तस्वीर से लगाइए। महाराष्ट्र के कई जिले हाल के सालों की सबसे भयंकर बाढ़ से जूझ रहे हैं। पूरे हिंगोली शहर में पानी भरा है, घर पानी में डूबे हैं, सड़कों पर कई कई फुट पानी भरा है। जिंदगी दुश्वार हो चली है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाना दूभर है। असना नदी में बाढ़ के चलते ये हालात पैदा हुए हैं। नांदेड़ में भी असना नदी की बाढ़ का प्रकोप है। नांदेड़ के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। घरों में भी पानी घुस आया है। लोग ना तो बाहर निकल पा रहे हैं ना ही घर पर ठोर है। हाल तो बहुत बुरा है, सबके घरों में पानी घुस आला है और लोगों की बहुत परेशानी है। हर साल का ये ऐसा, कभी अभी तक कोई नगर सेवक आके देखता नहीं, कोई आते नहीं। हर साल का है, नगर सेवकों को फोन करे तो कोई नगर सेवक आके देखता नहीं। चार नगर सेवक में से एक नगर सेवक भी अभी तक कोई आके देखा नहीं। पीछे की गली में बहुत पानी है और रास्ते पानी घुसे वाला है अभी, और बोले तो क्या करना, फ्लैट भी चले गई, खाने को नहीं, पीने को नहीं, कुछ नहीं, अब कौन मदद करेंगे हमारी। बाढ़ से चंद्रपुर में भी हालात खराब हो रहे हैं। कई इलाके लबालब हैं। घरों में पानी घुस आया है तो दुकानों का सामान बर्बाद हो गया है। यहां बना अस्थाई पुल भी पानी के बहाव के साथ बह गया। पुणे में तो एक शख्स फंते नाले में जान देने कूद पड़ा, किसी तरह सिपाहियों ने उसे बचाया। वाशिम में सड़कों पर सैलाब बहने लगा, ऐसे में बच्चों को सड़क पार करने के लिए गांव वालों को खुद जान जोखिम में डालनी पड़ी। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी बाढ़ के हालात हैं। लोगों की दुकानों में पानी घुस गया है। पूरा सराफा बाजार बाढ़ की चपेट में है। ज्वेलर्स को बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। जरा नक्शे पर देखिए किन राज्यों में बाढ़ का कहर है। उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, एमपी, यूपी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र में बाढ़ ने हालात
खराब कर दिए हैं। पंजाब के संगरूर में भी बाढ़ ने जीना दूभर कर दिया है। आपको लगेगा कि ये कोई झील में बसा शहर है। सड़कों पर चार चार फीट पानी है, लोग डूब डूब कर चल रहे हैं, गाड़ियां आधी डूबी हुई हैं। कुछ घंटों की बारिश में राजस्थान का शहर सीकर पहचानने लायक नहीं रहा। सड़कों का पता नहीं है, हर तरफ पानी ही पानी है, गाड़ियां तैर रही हैं। मॉनसून का ये पहला दौर है, इसी में कई मैदानी राज्यों की हालत खराब है, जबकि अभी पूरा सीजन बाकी है। आज तक ब्यूरो।